अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑफ होम कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कपकेक्स, और इसके लिए हमें फ्लोर चाहिए 1.5 कप, और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, और शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 1/3 कप, और ग्रैनुलेटेड शुगर मैंने यूज़ की है। अब मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून, कोको पाउडर 1/4 कप यूज़ कर रही हूँ मैं, और अब हम इनको करेंगे स्ट्रेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, और बहुत अच्छे से स्ट्रेन करना है। जितना हम इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे, उतने ही कपकेक्स हमारे बहुत अच्छे ज़बरदस्त रेडी होंगे। जी, तो ये सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम इनको रखेंगे एक तरफ, और अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी करते हैं। तो अब हम रेडी करेंगे बटर मिल्क, और आएँ देखते हैं बटर मिल्क कैसे बनता है। हमने लिया है 1/2 कप मिल्क, और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून विनेगर, और इनको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, मिल्क हमारा थोड़ा सा हल्का सा कर्डल हो गया, और इट्स मीन के बटर मिल्क रेडी है। और मिल्क को आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। ये देखें, ये रेडी है। अब हम एक बॉल लेंगे, और उसमें 2 एग्स डालेंगे, और इसमें बेकिंग में हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कोई बर्तन वगैरह वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए बर्तन भी, और एवरीथिंग शुड बी ऑन द रूम टेम्परेचर। अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। योगर्ट मैं 1/2 कप ले रही हूँ, और साथ ही इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी 1/2 कप, और अब इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे। बटर मिल्क ऐड करने से हमारे कपकेक्स बहुत ही यमी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी, और ये बनाने के लिए मैंने 1/4 कप वार्म वाटर में 1 टेबलस्पून कॉफ़ी को मिक्स किया था, और ये लिक्विड उसका मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, और ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम इनको इसमें मिक्स कर देंगे, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को ड्राई में मिक्सअप कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। जी, तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है, और अब हम कपकेक ट्रे को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ या बटर के साथ, जिससे मर्जी आप कर लें, और इसमें रखेंगे कपकेक लाइनर्स। ये हमारी बेकिंग ट्रे रेडी हो गई है। अब हम अपना बैटर इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से हम सारे कपकेक्स को फिल कर लेंगे। इन कप्स को हमने फुल नहीं करना, 1/2 तक फिल करेंगे इनको, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ओवर राइज हो जाएंगे और कप से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा इसका मिक्सचर।
इस मिक्सर से आप 18 कपकेक्स बना सकते हैं ऑलमोस्ट। तो मेरी ये एक ट्रे फिल हो गई है। अब मैं बाकी का जो मिक्सर बच गया है उसको मैं अपने केक टिन में डालूंगी और इसको बेक कर लूंगी। ये मैंने केक टिन रेडी कर लिया है और लेफ्ट ओवर मिक्सचर मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इस मिक्सर को बेक करेंगे। जी तो हमारे कपकेक्स रेडी हैं, बहुत ही यमी लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुए हैं, ये बहुत डिलीशियस हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। अब हम मेल्टेड चॉकलेट गनाश से कपकेक्स को डेकोरेट करेंगे। इट इज़ ऑप्शनल, अगर आपका दिल करे तो आप इनको डेकोरेट करें, अदरवाइज आप इनको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको। इसी तरह से हम सारे कपकेक्स को डेकोरेट कर लेंगे। और ये हमारा केक भी रेडी है, कपकेक्स भी रेडी हैं। अब हम इस पे क्रश की हुई चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही यमी कपकेक्स रेडी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट टाइम की वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।